क्या मतलब कि रणबीर को पता नहीं चलना चाहिए? पूजी, उसे पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा? रणबीर को तो सब पता है, वो जानता है कि प्राची तुम्हें लाइक नहीं करती, वो तुमसे गुस्सा है। रणबीर ने भी तो उसे ये बताया कि वो प्राची ही थी जिसने उसे हायर किया था खुद पर अटैक करवाने के लिए, और ऐसे अटैक करवाया कि झूमर उस पर गिरे और उसे चोट भी ना लगे। और उसने ये सब इसलिए करवाया ताकि उसे रणबीर की अटेंशन मिले, खुद को विक्टिम बनाना चाहती थी। और जब प्राची इस बात से श्योर हो गई कि निक यहाँ से बाइज्जत भाग जाएगा, तो उसने निक को बोला कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। लेकिन प्राची ये बात भूल गई कि कोई भी क्रिमिनल अपने काम से क्रिमिनल नहीं, अपनी सोच से क्रिमिनल बनता है। इसलिए तो वो प्राची को अपने साथ ले गई, क्योंकि वो श्योर था कि प्राची उसे पैसे नहीं दे पाएगी, इसलिए तो वो रणबीर से प्राची के बदले पैसे मांगेगा। जानता है कि ये सारा प्लान प्राची का था। Enough. प्राची के बारे में और कुछ मत बोलिए प्लीज। देखिए, मैं जानता नहीं हूँ कल्प्रिट कौन है, बट मैं ये जानता हूँ कल्प्रिट प्राची तो नहीं है। प्राची खुद अपना किडनैप नहीं करवा सकती, तो निक ने जो भी बोला है वो झूठ बोला है। इनमें से कौन सी बात तुम्हें झूठ लग रही है? अटेंशन वाली। प्राची मेरा अटेंशन नहीं चाहती है। अगर प्राची को अटेंशन चाहिए होता तो प्राची मेरा ख्याल रखती, हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखती, घर पे मेरा ख्याल रखती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर कि आपका अगर कोई ख्याल रखता है ना तो आपका पूरा अटेंशन उसके ऊपर चला जाता है। तो अगर उसको अटेंशन चाहिए होता तो मेरा ख्याल रखती, जो कि नहीं रखा उसने। विच मीन्स निक झूठ बोल रहा है और प्राची ने अपने ऊपर अटैक नहीं करवाया। ठीक हो, आराम से संभालो अपने आप को। थैंक यू। प्राची तुमसे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम सो रहे थे, तो वो तुम्हारे जागने का वेट कर रही थी ताकि वो तुम्हारे पास आके तुम्हारी केयर करने का नाटक कर सके और तुम उसे देख पाओ। देखना, नाउ दैट यू आर अवेक, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो आई होगी मेरे पास जब मैं सो रहा था तब, और अगर उसको मेरी अटेंशन चाहिए होती रिया तो वो जाके सो जाती क्या? नहीं ना, यहाँ सोती मेरे सामने। जहाँ तक बात है उसके सोने की, वो थक गई होगी। शी मस्ट बी वेरी टायर्ड। एक सेकेंड, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा ना। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसको प्रॉपर निशाना नहीं मिल रहा था। अब प्राची के इतने करीब थे, इतने करीब, और दो सेकंड का गैप आया तब उसको निशाना मिला। थैंक यू। क्यों? तुमने मुझे गोली लगने से बचाया। तुम नहीं होते ना रणबीर तो मुझे आज गोली लग जाती। तुमने मुझे मरने से बचाया। सो जस्ट थैंक यू। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम अभी निकले हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू देयर? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? तो जी, मैं प्रूव करना चाहती हूं कि प्राची मुझे मारना चाहती थी। अब रणबीर असली कल्प्रिट ढूंढ रहा है तो ठीक है, मैं प्राची को ही कल्प्रिट बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू मेक हर लुक बैड, रियल बैड। वो अच्छी बनके रणबीर की अटेंशन नहीं ले रही, तो मैं उसे बुरा बना के रणबीर की अटेंशन दिलवाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच।